हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद अजीम। माय नेम इज अजीम और मैं आपका ट्यूटर फिर से लेके आ गया हूँ इंटीजर के एक नए पार्ट को। एज यू नो दैट लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमने जो है इंटीजर्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और एडिटिव आइडेंटिटीज, जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है ना इंटीजर्स की, वो हमने पढ़ ली थी। और आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो पहले उस वीडियो को देख लें, आप पहले प्रॉपर्टीज समझ लें इंटीजर्स की, फिर आप इस पार्ट पे आए, क्योंकि उसी से रिलेटेड होने वाला है ये पार्ट। 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। ओके, सो पहले वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 1.2 को लेकर आए हैं आपके सामने, एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज। सो पार्ट ए क्या कह रहा है, हूज सम इज -7। सो पार्ट ए में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कि राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम इज -7। मतलब कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स के नाम बताइए, कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स की वैल्यू बताइए जिसका सम -7 हो। सो देखिए गाइस, कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो है ना, आपका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, इसके नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं। सो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ पहला आंसर देने के लिए, आपको कोशिश करता हूँ कि हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे दो इंटीजर बताने हैं जिनका सम हमारा -7 हो। सो मैं क्या कहता हूँ, पहला इंटीजर में फर्स्ट इंटीजर में ले लेता हूँ -11 और सेकंड को मैं ले लेता हूं सेकंड इंटीजर मैं ले लेता हूं +4। ठीक है, अब पहले इन्हें करके देख लेते हैं, पहले इनका क्या करके देख लेते हैं, सम करके देख लेते हैं कि -7 आ रहा है या नहीं। सो -11 इज माई फर्स्ट इंटीजर। क्या करना है, सम बोला गया है, सो सम +4 एंड अगेन सेकंड इंटीजर इज +4। सो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11 प्लस इज प्लस, सो -11 प्लस 4। सो नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस या -± सो 11 माइनस 4 इज 7। और साइन बहुत अच्छे से जान चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो इस चीज में, कि साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला साइन आएगा, बिगर नंबर का जो साइन है वही साइन आपका आंसर के साथ आएगा। सो -7। सो हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा हो गया जो हमसे बोला गया था। क्या बोला गया था, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम इज -7। मतलब कोई भी ऐसे दो इंटीजर आपको बताने थे जिनका सम हमारा -7 हो। सो फर्स्ट इंटीजर मैंने क्या ले लिया था, -11 ले लिया था, और सेकंड मैंने ले लिया था +4। तो फिर क्या करा, दोनों को सम अप कर दिया, -11 देन प्लस, क्योंकि सम बोला गया था मेरे से, सो +4। सो -11 -4 7 और साइन बड़े नंबर का, सो -7 इज माई आंसर। ओके, -7 इज माई आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा गाइस, है ना, कि सम पूछा गया था, -7 आना चाहिए दो इंटीजर्स का, है ना। ओके। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आज भी आपको होमवर्क मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप सभी ये बात ध्यान रखें कि आज भी आपको होमवर्क मिलने वाला है। सो पार्ट बी मैं कर देता हूं, आप देख ही रहे हो जैसे कि पार्ट सी भी है इस क्वेश्चन में, तो पार्ट सी जो होगा आपका होमवर्क रहने वाला है। सो पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, पार्ट बी में क्या बोला गया है, डिफरेंस इज -10। पार्ट सी में क्या बोला गया है, बी में
कि डिफरेंस इज माइनस टेन, डिफरेंस इज माइनस टेन। क्या बोला गया है? डिफरेंस इज माइनस टेन, कि कोई भी ऐसे दो इंटीजर जिनका डिफरेंस, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर माइनस टेन आ जाए। सो लेट 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 फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू माइनस 20 ले लिया मैंने, मैंने पहला इंटीजर जो ले लिया वो ले लिया माइनस का 20। सेकंड में क्या ले लूंगा? आप सोच के बताइएगा, सेकंड में क्या लू, सेकंड इंटीजर में क्या लू, ऐसा कौन सा मैं नंबर लू कि माइनस 20 में से उस नंबर को अगर मैं माइनस कर दू तो मेरा आंसर माइनस 10 है। थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि सेकंड इंटीजर में क्या लू, सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या लू? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्लस 10 ले लू मैं, सेकंड इंटीजर मैं प्लस 10 ले लू, और आई कैन से दैट प्लस 10 ही प्लस माइनस 10, माइनस 10। सेकेंड इंटीजर मैंने ले लिया माइनस 10, क्योंकि डिफरेंस पूछा है ना मेरे से। चलो करते हैं हम आगे, क्या कर ले कि माइनस 20, माइनस 20 एक इंटीजर हो गया मेरा। फिर क्या पूछा गया? डिफरेंस पूछा गया गाइस हमसे, हमसे डिफरेंस पूछा गया इस बार। सो डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन किसका? माइनस 10 का, माइनस 20 माइनस माइनस 10। ओके, आगे को सॉल्व करेंगे इसे। सो माइनस 20 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10, माइनस 20 प्लस का 10। सो माइनस प्लस माइनस, क्या हो गया स्टूडेंट? माइनस प्लस माइनस हो गया, 20 माइनस 10 इज 10, और साइन, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जो 20 है 10 से बड़ा है और 20 के साथ जो साइन हमारा है वो माइनस का है। सो माइनस 10। सो दो इंटीजर कौन से होंगे? वो दो इंटीजर होंगे ये, कि पहला होगा माइनस 20 और सेकंड होगा माइनस 10। मतलब इन दोनों इंटीजरों को अगर मैं माइनस करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, तो आंसर मेरा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और सी, जैसा कि मैंने बोला है आपको, सी आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। ठीक है, ये होमवर्क के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। होमवर्क क्या हो गया? पहला होमवर्क हो गया आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, नोट डाउन कर ले जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर ले, 20 सेकंड का समय है आप पर, नोट डाउन कर ले। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है एक बार रीड कर ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है एक बार जल्दी से रीड करेंगे सबके सब, चलिए मेरे साथ करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए क्या बोल रहा है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हूज डिफरेंस गिव्स प्लस 8। अब हमें कंडीशन दे दी है स्टूडेंट, हमें अब कंडीशंस दे दी है। पहले क्या बोल रहा था हमसे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी दो इंटीजर ले लो जिनका आंसर वो आए जो क्वेश्चन बोल रहा है। बट अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, हमसे बोला गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये शर्त है, ये कंडीशन है कि दोनों इंटीजर जो होने चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, राइट राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हूज हूज difference whose difference gives 8, gives plus 8, है ना, whose difference gives 8, we can say that plus 8। so question number 2 का part 1 ये हम कर रहे हैं, या part ए हम कर रहे हैं। क्या बोला है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हूज डिफरेंस गिव्स 8।
मतलब जो पेयर होंगे मेरे इंटीजर के वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये कंडीशन है क्वेश्चन की। चलिए तो कर लेते हैं, लेट फर्स्ट, ये आपको सोचने पड़ेंगे, हो सकता है आपको ट्रायल एंड एरर भी करना पड़े, हो सकता है कि आप पहले दो इंटीजर लें उनका आप डिफरेंस करें, हो सकता है उसका आंसर ना आए, फिर दोबारा करें ना आए, फिर दोबारा करें ना आए। सो इसमें क्या है कि ट्रायल एंड एरर भी यूज करना पड़ सकता है आपको, है ना। सो फर्स्ट इंटीजर क्या मान सकता हूं मैं, बताइए जल्दी से, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, कि क्या होगा कि दोनों को मैं अगर माइनस कर दूंगा तो आंसर मेरा प्लस का 8 आ जाना चाहिए। सो ओके, मैं इसे माइनस 8 मान लेता हूं, मैं पहले इंटीजर को माइनस 8 मान लेता हूं, पहला इंटीजर हो गया मेरा माइनस 8। सेकंड इंटीजर को मैं क्या ले सकता हूं, सेकंड इंटीजर क्या हो सकता है, सेकंड इंटीजर माइनस 16 ले लेते हैं, सेकंड इंटीजर मैंने ले लिया माइनस 16। अब इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। सो माइनस एट ठीक है, पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है दोनों इंटीजर। देखिए पहली कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं, पहली कंडीशन पूरी कैसे करी है, हमें कहा गया था कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो पहली कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं कि जो हमारे दो जो पेयर है हमारे इंटीजर का वो दोनों नेगेटिव है, ओके। अब बोला गया है कि हुज डिफरेंस गिव्स 8, सो माइनस 8 डिफरेंस माइनस 16, ओके, माइनस 8 माइनस 16। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन में, सो माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस और 16। सो अगेन हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सो माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 8 इज 8 और साइन हमारा रहेगा प्लस का। क्यों रहेगा प्लस का, क्यों रहेगा बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 16 बड़ा है हमारा 8 से, सो प्लस ही रहने वाला है। सो क्या क्वेश्चन हो गया है आपका, आपको समझ में आ गया है, दो कंडीशन थी, नेगेटिव होने चाहिए इंटीजर और दोनों का डिफरेंस हमें करना है। सो पहला इंटीजर इज माइनस 8 और सेकेंड इंटीजर इज माइनस 16, तो ये दोनों ऐसे नेगेटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस करेंगे तो आंसर मेरा प्लस 8 आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ओके। सो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट ए था, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, ओके। चलिए बी पे मूव करते हैं, क्या कह रहा है, ओके कर लिया ना, नोट डाउन कर लिया ना, बी क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस 5, हुज सम इज माइनस 5। चलिए पार्ट बी पे हम चलना है ना, ओके इससे पहले कर सकते हैं हम, चलिए ओ राइट डाउन तो रहने देते हैं क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है, ये पार्ट बी कर देते हैं इसे हम, राइट डाउन राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस 5, हुज सम इज माइनस 5। अभी हमसे क्या पूछ लिया है कि ऐसे दो इंटीजर लिखिए जो एक प्लस का हो एक माइनस का हो और उनका सम करने पर माइनस 5 आए। क्या बोला है क्वेश्चन ने, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस 5, ओके। सो लेट, चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंटीजर लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर और मैं कह सकता हूं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैं लिख लेता हूं इसे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैं भी 5, ठीक है 5 ले लिया, और सेकंड वाला इंटीजर जो होगा वो ऑटोमेटिक नेगेटिव ही होगा,
नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, हमें कंडीशन दे दी है कि पहला इंटीजर होना चाहिए आपका सॉरी कि एक इंटीजर आपका होना चाहिए पॉजिटिव, एक इंटीजर होना चाहिए आपका नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंटीजर हम ले चुके हैं, नेगेटिव इंटीजर की इस बार बात करेंगे। तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस टेन ले लेते हैं इसे, हम माइनस टेन ले लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करना। क्या बोला गया है कि दो ऐसे इंटीजर जिनका सम माइनस फाइव आना है। सो पहले इंटीजर में लिख लेता हूं प्लस का फाइव, जिनका सम माइनस फाइव आना चाहिए, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। सो फाइव प्लस माइनस वी माइनस टेन, फाइव माइनस टेन आ गया ना। अब आगे मूव करते हैं। सो प्लस फाइव माइनस टेन, सो प्लस माइनस टेन माइनस फाइव इज फाइव, टेन माइनस फाइव इज फाइव। और साइन कौन सा आएगा, आई थिंक मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि साइन कौन सा आने वाला है, क्योंकि आप परफेक्ट हो चुके हो उस चीज में कि आप अब साइन में तो आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते, आप गलत कर ही नहीं सकते। साइन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो आप गलत कर नहीं सकते, ठीक है ना। सो हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन बोला क्या था कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हूज सम इज माइनस फाइव। सो पॉजिटिव इंटीजर इज फाइव, नेगेटिव इंटीजर इज माइनस टेन, दोनों का सम करा, आंसर हमने निकाल लिया माइनस फाइव। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला इंटीजर होगा हमारा फाइव और सेकेंड इंटीजर होगा माइनस टेन। ओके, सो अगेन देखिए, अगेन क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सी आपका होमवर्क है। देखिए होमवर्क आपको मिलेगा और आपको करना भी पड़ेगा। क्या है ना कि प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना होगा ही नहीं। मैं आपको जितना भी पढ़ा लू, जितना भी समझा लू, वो सब वेस्ट हो जाएगा अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो होमवर्क तो आपको मिलना ही है, बेशक आप वीडियो ना देखें बट होमवर्क आपको मिलेगा, होमवर्क से बच नहीं सकते आप, ठीक है ना। सो पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। पार्ट थ्री, आई मीन क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक कर लिया है ना। चलिए इरेज कर देते हैं। ओके, पार्ट थ्री ये निकले जा रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ गए हैं, पार्ट थ्री निकले जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर माइनस टेन टेन जीरो एंड टीम बी स्कोर टेन जीरो माइनस फोर्टी इन थ्री सक्सेसिव राउंड, विच टीम स्कोर मोर, कैन वी से दैट कैन वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। ओके, एक बार क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड माइनस फोर्टी जीरो, सही से लिख लेते हैं, लाइन हम पूरी कर देते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड माइनस फोर्टी जीरो एंड टेन एंड टीम बी स्कोर टेन जीरो एंड माइनस फोर्टी इन थ्री सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर मोर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए ने तीन सक्सेसिव यानी कि तीन लगातार राउंड में
-40 0 और 10 स्कोर किया है। टीम बी ने तीन लगातार राउंड में 10 0 और -40 स्कोर किया है। अब पूछ रहा है विच टीम स्कोर मोर, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है कि विच टीम स्कोर मोर, ठीक है ना। और फिर एक पार्ट और लिखा हुआ है वहां पे जो मैंने नहीं लिखा है, पूछ रहा है कि क्या हम इन नंबर्स को एनी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर आएगा उस पर कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा। चलिए, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इंटीजर की, वो प्रॉपर्टी आपकी इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है, ठीक है ना। हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में हम मैं आपको कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज करके बताऊंगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज करके बताऊंगा, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, कैन आई हैव दैट? ओके, चलिए। टीम ए का स्कोर क्या था जल्दी से एक बार मुझे बता दे। टीम ए का स्कोर था, टीम ए का स्कोर था -40 0 एंड 10, और टीम बी का था, टीम बी ने किया है 10 -40 और 0। और ये तीनों स्कोर हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और ऑर्डर लिखा हुआ है, मैंने कुछ और ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमसे पूछा गया है कि कौन सी टीम ने स्कोर ज्यादा किया है, तो पहले मैं यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी, क्या होता है कि मैं a प्लस बी कर लू या b प्लस ए कर लू, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही पढ़ाया था मैंने आपको, आप अपना अगर आपने अपने बुक्स में नोट किया होगा, कॉपीज में नोट किया होगा, तो एक बार उसको रिवाइज करें फिर देख लें, और नहीं भी क्या है तो मैंने जिस पार्ट में ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है पहले वो पार्ट देख लें फिर इस क्वेश्चन पे आए। तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहती है, अगर कोई भी दो इंटीजर है उन्हें मैं ऐड करता हूं और उनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ऑर्डर चेंज हो चुका है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ बी प्लस ए है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो इंटीजर्स के मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और उन्हें सम अप करूं, उन्हें ऐड करूं, तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उनके सेम ही आते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे यूज करने वाला हूं, चलिए ठीक है। तो देखिए -40 टीम ए का स्कोर पहले हम लिख लेते हैं, स्कोर ऑफ टीम ए, स्कोर ऑफ टीम टीम ए, तीनों का ऐड कर लेंगे तो स्कोर निकल जाएगा हमारा, तो ऐड कर लेते हैं -40 प्लस 0 प्लस प्लस का 10, ठीक है ना। ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर आप देखिएगा कि मैंने किस ऑर्डर में यहां लिया है, और जब मैं टीम बी का ऑर्डर लूंगा तो वो ऑर्डर पे आप नोटिस करिएगा, तो ऑर्डर आपको चेंज मिलेगा बट आपका आंसर सेम रहेगा। सो -40 प्लस 0 प्लस 10, सो आगे बढ़ते हैं, -40 इज -40, 0 इज प्लस 0 और प्लस 10, 0 किसी में भी ऐड होता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 मैं यहां से इरेज कर देता हूं, तो फाइनली आंसर किन दो टर्म से आने वाला है, -40 और प्लस 10 से। सो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 40 माइनस 10 इज 30, 40 माइनस 10 इज 30, ओके, 40 माइनस 10 इज 30, किसका, माइनस का, माइनस 30। सो स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए का स्कोर हो गया -30, ठीक है ना। पहले से नोट डाउन कर ले जल्दी से, पहले से नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अब टीम बी का स्कोर आएगा, आपको ठीक उसके नीचे करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो पहले से नोट डाउन कर ले। ओके चलिए, टीम बी की तरफ चलते हैं, टीम बी की तरफ चलते हैं, टीम बी, टीम बी का ऑर्डर देखिएगा, मैंने पहले ऑर्डर में क्या लिखा था, 40 0 10, अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 -40 0, 10 प्लस -40 प्लस 0, ओके स्टूडेंट। चलिए देखिए ऑर्डर बदल चुका है, ऑर्डर पहले टीम ए में क्या था वो देखिए आप, और टीम बी में क्या है वो देखिए आप, ऑर्डर चेंज हो चुका है, आंसर देख लेते हैं चेंज होगा या नहीं होगा। 10 प्लस माइनस माइनस 40 और 0 इज 0, कोई वैल्यू ही नहीं है, जान लेते, ठीक है।
सो प्लस 10 माइनस 40, सो प्लस माइनस इज माइनस। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ ना प्लस, जरूरी नहीं है कि मैं नंबर के साथ प्लस लगाऊंगा तभी वो प्लस का होगा। अगर बाय डिफॉल्ट किसी नंबर में कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो यहाँ पे 10 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 10 माइनस 40 इज, या 40 माइनस 10 इज 30, 40 माइनस 10 इज 30, साइन माइनस 1। सो आंसर क्या दोनों का सेम आया है, आंसर क्या दोनों का सेम आया, हाँ बिल्कुल दोनों का सेम आया। टीम ए ने भी स्कोर किया है माइनस 30, टीम बी ने भी स्कोर किया है माइनस 30। दोनों का जो एडिशन करने का ऑर्डर था वो मैंने चेंज किया था, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो वी कैन से दैट वी कैन एड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, और यही जो स्टेटमेंट है यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैं इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, यानी कि कोई भी इंटीजर मैं किसी भी ऑर्डर में एड कर सकता हूं बट उसका जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, चलिए कोई नहीं, नोट डाउन कर ले।